तशरीफ लाए थे तो हमने यहाँ से पंजाब के 2400 के करीब बेसिक हेल्थ यूनिट के सोलराइजेशन का इफ्तिताह किया था। लिया में जितने बेसिक हेल्थ यूनिट हैं वो सोलर पर मुंतकिल किए जा रहे हैं और इंशाल्लाह नवंबर में ये मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा हमने साउथ पंजाब में 11,000 प्राइमरी स्कूल सोलर पर मुंतकिल किए हैं, साउथ पंजाब की 3 डिवीजन्स में, जिनमें भावलपुर है आपका, डीजी खान है और मुल्तान है। तो उसमें भी लिया में तकरीबन 672 के करीब स्कूल हैं जो सोलर पर मुंतकिल किए जा चुके हैं, जिनमें इनका ये चुबारा वाला हल्का भी शामिल है, मलिक साहब का भी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को भी इंशाल्लाह हम सोलर पर मुंतकिल करने जा रहे हैं। हमारा जो टारगेट था एनर्जी डिपार्टमेंट का, 95,000 पब्लिक कनेक्शंस हैं जिनमें आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, हस्पताल, शेल्टर होम, दारुल अमान, जेल और कमिश्नर ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, ये सारे उसमें शामिल होते हैं। 95,000 के करीब कनेक्शंस हैं। तो ये 95,000 को हमने टारगेट किया हुआ है। पंजाब को सोलर सूबा डिक्लेयर किया था और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इंशाल्लाह जब हमारा ये टेन्योर मुकम्मल होगा, पंजाब ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इस एशिया में सबसे ज़्यादा सोलर पर मुंतकिल करने वाले कनेक्शन मुंतकिल करने वाला सबसे बड़ा सूबा होगा इस एशिया में, ये मेरा दावा है। और इंशाल्लाह उसमें मुझे अपने वज़ीर आला सरदार इमरान गुजार की पूरी सपोर्ट हासिल है। इमरान खान साहब ने पूरा हमें सपोर्ट किया है और हमारा टारगेट है भी यही कि हम क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पर काम करें, जो पिछली 3 दहाइयों में होना चाहिए था। दुनिया जब इसकी तरफ जा रही थी, इस मुल्क पे क्लीन और ग्रीन एनर्जी का कोई फोकस नहीं किया गया और जाते जाते 2016 में ये रिन्यूएबल एनर्जी पर बैन लगा गए थे। इसलिए लगा गए थे कि इनकी RLNG नहीं बिकती थी, जो इन्होंने कोल पर और इधर उधर से प्लांट लगाए थे उनका कोई जवाब नहीं बनता था लगाने का, और उसका इम्पैक्ट आपकी मईशत पर पड़ा, जिसमें तकरीबन 17 अरब डॉलर का फ्यूल आपका इम्पोर्ट होता है हर साल इस एनर्जी जो पावर प्लांट हैं उनके लिए। तो हमने टारगेट यही किया है कि जो इम्पोर्टेड फ्यूल है उस पर कोई नया प्लांट नहीं लगाएंगे। इंडिजिनस रिसोर्स जिनमें पाकिस्तान सेल्फ सफिशेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा सोलर है और हमारे जो बेहतरीन दुनिया का सबसे बड़ा ये कैनाल सिस्टम है हमारा, उस पर हम मिनी हाइडल के ज़रिए, सोलर के ज़रिए रुझान, और हमारा कलर कार में कोई 1500 मेगावाट का पोटेंशियल है विंड का, हम उनके ज़रिए बायोगैस और इस तरह की हाइब्रिड जिन पे कोई इम्पोर्टेड फ्यूल नहीं लगता उनको प्रमोट कर रहे हैं और उसकी तरफ इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी से हम मतलब हमारा सफ़र जारी है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपने देखा होगा कि हमारे जो पैसे हैं वो आपके डैम्स पर लग रहे हैं, 7 मिनी डैम्स बन रहे हैं, कोई 4-5 के करीब बड़े डैम्स बन रहे हैं। 4 दहाइयाँ पहले जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ था, उस पर अब जो इनका इम्पेक्ट आते आते उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी भी, क्योंकि ये मंसूबे ऐसे हैं डैम्स वाले जिनको 4-5 साल 7 साल लग जाते हैं। और जो इंस्टेंट हमारे पास जो हल था वो हमारे पास सोलर का था, वो हमने बड़ी तेज़ी से हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश भी है कि हम लोगों को इंडिपेंडेंट सोलर सॉल्यूशन दें। हमारा इस दफ़ा आप ADP देखेंगे तो इस ADP में हम जो ऑफ ग्रिड एरियाज हैं, जहाँ पर ये बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें नहीं हैं, जहाँ पर ग्रिड सिस्टम नहीं है, वहाँ लोगों को हम इंडिपेंडेंट सोलर सॉल्यूशन दे रहे हैं। और वो तमाम जो हमारे साउथ के डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको हमने चिट्ठियाँ लिख दी हुई हैं, वो हमें ऐसी आबादियाँ नोटिफाई करेंगे, हम उनको देंगे। दूसरा, जो हमारे शेल्टर होम्स हैं जो बिल्कुल नादार और जो बेसहारा लोग होते हैं उनके लिए दारुल अमान हैं,
आपकी जो इस दफ़ा हम 350 पुलिस स्टेशन हैं पंजाब के, उनको भी हम सोलर पर मुंतकिल करने लगे हैं, और इंशाल्लाह देखेंगे कि जब इनसे हम इनको जो एग्जिस्टिंग ग्रिड स्टेशन पर कनेक्शंस हैं जब ये ऑफ ग्रिड होंगे, कौमी सरमाया आपका बचेगा और वो डेवलपमेंट पे खर्च होगा। हमने यूनिवर्सिटियों में एक एस्को मॉडल पे काम शुरू किया है, 1 मेगावाट हमने पायलट प्रोजेक्ट लास्ट ईयर लगाया था UET में, तो 1 मेगावाट लगाने से तकरीबन 2 करोड़ उनको साल की 1 मेगावाट से बचत हुई है। और उसमें मज़े की बात यह है कि 1 रुपया ना यूनिवर्सिटी का लगा है ना 1 रुपया गवर्नमेंट का लगा है। लोगों को हमने इनवाइट किया है, यूनिवर्सिटियों की छतें इस्तेमाल कर रहे हैं, पावर प्लांट लगा रहे हैं, जो 26 रुपये पे यूनिट पे उनको बिजली पड़ती थी वो उनको अब 8 से 10 रुपये वो कंपनियाँ बना कर दे रही हैं। तो हमारा टारगेट यही है कि जितना हम बर्डन कौम पे इन इदारों पे कम कर सकेंगे वो अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगा। और ख़ास तौर पर जो हमने सोलराइजेशन स्कूलों की है, उसमें आप देखें हमारे पास बिल्डिंग्स थी, स्टाफ था, लेकिन बच्चों की रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी क्योंकि बच्चे हर किसी को प्यारे होते हैं, गर्मी में कोई नहीं भेजता था। हमारी उन स्कूलों में रजिस्ट्रेशन बेहतर हो गई है। हमारे जो बेसिक हेल्थ यूनिट पर हम बिजली लगा रहे हैं सोलर, उसमें जो वैक्सीन और दवाइयाँ ख़राब होने का ख़तरा होता था जब बिजली नहीं होती थी, वो उनका ख़तरा टल गया है, और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ गामजन है। एक चीज़ में आखिरी बात करके फिर बात करते हैं, एक चीज़ जो अभी मुश्किल वक्त है, अवाम पर भी है, हुकूमत पर भी है। आप देखें कि जिस तरीके से उन्होंने आर्टिफिशियली डॉलर को मेंटेन किया हुआ था, जिस तरीके से आपके ट्रेड डेफिसिट और ये सारे बाकी डेफिसिट हमें विरसे में मिले थे, उनको कैटर करने के लिए और आवाम को रिलीफ देने के लिए मुश्किलात हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा मुश्किल वक्त है। हमने किया ये, हमारी हुकूमत ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया कि वक्त ही नहीं है कि अब कर्जे लें, खुद भी खाएं और लोगों को भी खिला के राज़ी करके चले जाएं। हमने इसको लॉन्ग टर्म मुल्क को क्राइसिस से निकालने का जो अज़म किया है, हमारी क़यादत तो उस पर पूरी तरह गामजन है। आप देखें कि ये जो जितने IPPs के मुहैदे थे जो बेनज़ीर हुकूमत में हुए थे, वो अब 2023 में ख़त्म होने हैं। वो एक एक चीज़ हमें लिखी हुई मिली थी विरसे में कि फ़लाँ तारीख को इतने पैसे बढ़ाने हैं, फ़लाँ साल को इतने पैसे बिजली के बढ़ाने हैं, और जो ये पिछली हुकूमत नवाज़ लीग वाले करके गए हैं उनके मुहैदे 2030 में ख़त्म होंगे। हम जो करके जा रहे हैं वो अभी उनका हमने बास्केट में डालना शुरू किया है। अभी ये हमारा जैसे जो ये सबसे जो अच्छी खबर मैं आपको देना चाहता हूँ, जो लिए वाला 100 मेगावाट वाला आपका लग रहा है, ये हमने इनको टैरिफ दिलवाया था 3.7 सेंट, और यही जो 100 मेगावाट इन्होंने बिल्कुल चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो के पूरा उनसे लगवाया था, वो 14.1 सेंट पे लगवाया था। आप देखेंगे 4 गुना उसकी कीमतें हम नीचे लेकर आए हैं, और इसका इम्पेक्ट अल्टीमेटली आवाम को होगा, और इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है, अपनी क़यादत पर पूरा भरोसा है कि हम आवाम को इस मुश्किल वक्त से निकालेंगे। आपका ज़िम्मेदार आज खुशहाल है, पहली दफ़ा इज़्ज़त से इन 2 सालों में इज़्ज़त से अपनी फसलें बेची हैं। आपका इंडस्ट्रियलिस्ट खुशहाल है, आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो बूम पर जा रही है, बाकी मुल्कों में चीज़ें मतलब उनके कारोबार रुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कारोबार बेहतर हुए हैं। हमारे पास एक हाल था कि जो डिज़र्विंग तबका है, जो हकदार तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जिनके लिए रोटी पानी का मसला होता है, उनके लिए हमने एहसास प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। आपका पंजाब में इंशाल्लाह जनवरी तक हेल्थ कार्ड सारे ख़ानदानों को मिल जाएगा, एक एक ख़ानदान को मिलेगा। हमने अगर महंगाई दुनिया में बढ़ी है तो पाकिस्तान में भी उसका इम्पेक्ट आया, उसको कैटर करने के लिए हमने उसके अल्टरनेट आपको रास्ते दिए हैं, जिसमें एहसास प्रोग्राम बता चुका हूँ, आपका ये हेल्थ कार्ड वाला आ रहा है, आपका किसानों के लिए किसान कार्ड आ रहा है, और जो डिज़र्विंग है आपका कामयाब नौजवान प्रोग्राम वाला है, बाकी बहुत सारे वजीफ़ों की शक्ल में, और इंशाल्लाह जल्द एक बड़ा रिलीफ पैकेज पूरे मुल्क में वज़ीर आज़म इंशाल्लाह ऐलान करने लगे हैं। तो यहाँ की जो मकामी चीज़ें हैं उनमें मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके फिर आपसे इजाज़त लेंगे। यहाँ पर थल कैनाल का बहुत पुराना दरीना मुतालबा था, वो भी इस हकूमत को उसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पैसे भी ऑन ग्राउंड
रिलीज़ कर दिए हैं, लोगों को पैसे देने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर वापडा की सब डिवीज़न जहाँ बैठे हैं, यहाँ वापडा की सब डिवीज़न अप्रूव हो चुकी है। यहाँ पे इंजीनियरिंग की सब डिवीज़न एक अप्रूव हुई है। यहाँ पे लाला खैर साहब से भी बात हो रही थी, तो इंशाल्लाह चंद महीनों में आपको इसकी तहसील की खुशखबरी भी मिलेगी। तो बहुत सारे काम हैं, आपका चौक मुंडा तहसील हम पहले बना चुके हैं, चौक आज़म है, तो इन चीज़ों से यहाँ के लोगों का मेयार ज़िंदगी इंशाल्लाह बेहतर होगा। और हमारा फोकस एक ही है कि इस कौम को इस मुश्किल वक्त से निकालें।